अरे ओए 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 ओए, माफ करो माफ करो, छुट्टा नहीं है। पहचान लिया पहचान लिया, बर्बाद हो गया ना पूरी तरह। जब से तुम लोगों का मनहूस हाथ लगा है, क्या बोला? मतलब मैंने जब से तुम लोगों को देखा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, खाने तक को कुछ नसीब नहीं हुआ। दे रे खाने को दे। ये ले। अरे नहीं चाहिए, ये मुझे काम चाहिए काम। हम लोग तो फंदेबाजी का काम करते हैं। मालूम है, मैं भी वही करता हूँ। तभी तो तेरे को लूटा हम लोगों ने। ठहर, मैं जरा अपने CKF में देख लूं। CKF क्या? ये चोरों की फाइलें, जैसे पुलिस के पास बेईमानों का रिकॉर्ड होता ना, तो हम लोगों के पास चोरों की फाइलें, उन लोगों को लूटते हम लोग। अच्छा अच्छा, जैसे ये सेठ बोगड़मल। बोगड़मल इसके पास बहुत बड़ी जमीन है, ये इसको बेच के इनकम टैक्स का घपला करके इधर से फूटने के चक्कर में। अच्छा, इसका क्या करेंगे हम लोग? मैं वहां पर नकली जमीन का दलाल बनकर जाऊंगा। देखो ब्रोकर भाई, 50 लाख में सौदा करा दो तो बहुत अच्छा रहे। क्या बोलता नहीं, इतना डड और सुटो जमीन सिर्फ 50 लाख? अरे चरिया, तो के जमीन जा कदर नहीं। देख, अगर तेरे पास गाहक हो तो ला, अपना 2% कमीशन ले, नहीं तो जहन्नम जा। मेरे पास एक सुटो सुटो डाडो सुटो सुटो डाडो डाडो सुटो करोड़पति सेठ है नी। आहा, आ गया। अरे वेलकम वेलकम साई। क्या क्या जमीन? अरे सेठ, ये तो है राज जमीन। आ जमीन जी? ए दलाल, मैं तेरे को क्या बोला होता? मेरे को बंगला बनाने को जमीन चाहिए, रूमाल बिछाने को नहीं। ये कौन फकीर का जमीन है? फकीर नहीं साईं, ये चरिया भी बंबई का बहुत बड़ा सेठ है, सेठ भोगड़मल। भोगड़मल टमेरा माफिक, टमेरा नाम पर मोटा छे, पर जमीन बहुत छोटा छे। सेजी सेजी सेजी, चलो सेठ जी, मारे कने यही जमीन है, लेना हो तो लो, एक आध दिन में फैसला करो, मारे को जाना है। हाथ नीचे कैम, सरकार का घपला करके जाता है क्या? नो प्रॉब्लम, मैं पन घपला करता है, बट आई नो ऑलरेडी पेंट्राज इन लफड़ाज इन घपड़ाज फ्रॉम बोगड़ा टू चोपड़ा समझ पड़ी के? मारे को अंग्रेजी नहीं आवे है। नटियावाटी मने पन नटियावाटी, पन हूं सु करू? आई टॉक विद अ डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट स्टाइल विद अ डिफरेंट टाइम विद अ डिफरेंट डे विद अ डिफरेंट नाइट विद अ डिफरेंट सीजन डिफरेंट सेंचुरी डिफरेंट मोमेंट। बनकर खलास हो गया, समझ पड़ी के? ये मेरे जो डिमक वाले की बात है, तेरे साथ बड़ डिमक को समझ का अंडा नहीं आएगा। ए डालाल, सो करे चिड़ो ऊपर है ये सो करे, ये जमीन मेरे को जमा, पर इसको ऊपर कचरा बोट, इसको बाहर निकाल। साई कल तक सुट्ठो साफ करा देगा नहीं? चिड़ो ऊपर झोपड़ा मल भोगड़ मल रेवा डेने तारा बापा नू सो जाए, झोपड़ा हो के भोगड़ा हो बराबर जगह नटी। ये जमीन का कीमत कितना है? 60 लाख। डन, चलो मान जो तो परसों हूँ आवी ने एनो कब्जो ले लेज, पर अभी तभी एक काम करो, ये एडवांस का अंडर 50,000 रुपये मिठाई खाने को रखो। 50,000? मारा पास 25 लाख रुपया हटू, पर हूँ सू की आटे टाइम ना एक अनाथ आश्रम मिला तो उसका अंडर डांड दे दिया। 25 लाख डांड तो आप पड़से ने, मैं कौन? सेठ बोमन जी, रमन जी, कान जी, नान जी, पहचन जी, पोलन जी, नट बोल्ट सोडा वाटर बोतल ओपनर वाला, हमारा नाम ची एड्रेस नटी है, मेरा नाम सुनकर तेरे को सेंसेशनल करंट मारा तो हूँ चालू ऑल दी वर्स्ट। तैने मारी जमीन सोने बा फिकवा दी। वो तो बराबर है साईं, लेकिन इधर कचरा कितना पड़ा है नहीं? चलो कल सुबह मजदूर लेकर आते हैं साफ कराने को। अरे मेरी जमीन पे झोपड़े कहां से आ गए? अरे क्या साईं, तुम वादा आशा के साथ किया और जमीन इन लोगों को बेच दिया चरिया। अरे नहीं भाई ब्रोकर, मैंने जमीन किसी को भी नहीं बेची, न जाने ये कौन लोग हैं और एक रात में कहां से ये बस्ती बसा के बस गए। बड़ी क्या बात करता है नहीं, चलो मेरे साथ। डरवा से टेम टेम की बात है, अपन जब 10 साल पहले इधर आया था तो कुछ भी नहीं था। क्या बोल भेला बाबू, कुछ भी नहीं था। अरे आप देखो मकान है मकान है। अबे क्यों झूठ बोल रहा है तू, 10 साल पहले यहाँ आया था, अबे कल रात तक तू यहाँ कुछ भी नहीं था। क्या बात कर रहे ला सेठ, आप उनको इधर आए हुए 10 साल हो गया, यकीन नहीं आता तो राशन कार्ड दिखाए, 9 साल पुराना है। अबे झूठ बोलता है,
मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। मैं अभी पुलिस में जाकर तेरा कंप्लेंट लिखा के आता हूँ। ऐसा नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएंगी। अगर तुम पुलिस में गया नहीं तो समझो कि ये जमीन तुम्हारे हाथ से गई। मैं क्या करूँ, मारू को तो चक्कर आवे है। साईं, वो डंडो सुठो पारसी सेठ तुम्हारा 50 लाख का जमीन का 60 लाख रुपए देता है नी। हाँ। तुम्हें कितना जास्ती प्रॉफिट होता है नी? 10 लाख। हाँ साईं, हिक को कम कर, उस 10 लाख में से 5-6 लाख रुपया इनको दे दो नी, और जमीन वापस कब्जे में ले लो नी। अरे पीछा छोड़ाओ नी, अरे कल आके वो पारसी सेठ तुमसे तुम्हारा जमीन ले लेगा नी। अरे तुम समझना कि तुम्हारा जमीन 60 लाख रुपए में नहीं तो 55 लाख में बिका नहीं। बात तो तुम ठीक बोलो हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम उनसे बात करके उन्हें चलता कर दो। सुठो, अब इसमें 5.5 लाख रुपए हैं। अरे चरिया, तुम चिंता नहीं करना नहीं, कल सुबह आके वो डांटो सुठो पारसी सेठ से 60 लाख रुपए ले लेना नहीं। अब जाओ नहीं, मैं जमीन खाली कराता हूँ नहीं। अरे जाओ, क्या ढुक्कर नहीं। अरे सुठो, क्यों प्रसाद बाबू, सब काम ठीक ठाक किया ना? अरे बहुत बढ़िया, ये रहा तुम लोगों का हिस्सा, पूरे 10,000 रुपए। अगर कोई काम होगा तो बताऊंगा जी। जाओ ऐश करो और ये जमीन खाली करा दो। यस सर। पारसी सेठ अभी 60 लाख रुपए लेके आता ही होगा। कितना फ्रॉड बाप है मेरा, ये यहाँ पर आराम से लेटा हुआ है और वहां पर भोगड़ माल इनके 60 लाख का इंतजार कर रहा है। वहां इंतजार नहीं कर रहा होगा, धूप में पक गया होगा और अभी तो फूट फूट के रो रहा होगा कि मेरा 5 लाख रुपया डूब गया। मारो 5 लाख रुपये और डूब गए, लगता है वो लोग आएंगे नहीं। वो बेईमान हम हैं, बेईमानों के बेईमान। दूसरे बेईमान जो है वो सीधे साधे लोगों को लूटते हैं, मगर हम वो बेईमान हैं जो बेईमानों को लूटते हैं। चलो बापू, इन दो बेईमानों की आत्मा हमें बुला रही है। ये साला आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, पुलिस वाले लोग माल उतारने नहीं देते हैं। अपना भी साला यही हाल है, कोई लंबी आसामी फंसी नहीं, समझ में नहीं आता है क्या करें। ए साहब, आपका माचिस है? माचिस? अरे नहीं, जा चल। भड़कता है काय को भड़कता है? आप उनको साला भिखारी समझ रखा है क्या? आप उन भी साला इसी होटल में रहता है क्या? बाजू वाले कमरे में भड़कने का नहीं है? चल सलाम। कायरे, कौन है तुम लोग? इधर काय को बैठे लाए? आप उन्हें इस होटल में रहता है? होटल का अंदर काय को रहता है, घर का अंदर काय को नहीं रहता है। आप उन किधर भी रहता हो, तुमसे मतलब? ऐसा तमड़ी नहीं खाने का, सीधा तरफ से बात करने का, समझा? अरे हवलदार साहब, हम लोग दूसरे किसी शहर से आए हैं यहाँ काम के लिए। ये आदमी को किधर देखे ला है तुम? नहीं तो क्या किया इसने? पब्लिक को टोपी फिराया है, सरकार को टोपी फिराया, करोड़ों अंदर किया है। अच्छा, अभी अक्का शहर का पुलिस इसको तलाश करता है, देखा है कभी? आप एक काम कीजिए, ये फोटो हमें दे दीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। खबर करना। ये क्या है? ए साला, एक नंबर का चोर फ्रॉड। ये तस्वीर देखो। ए साला, अपुन का फोटो तुम लोगों को कहां से मिला? हमें पुलिस ने दी है। नहीं साला, उधर देख। अच्छा तो तुम नकली नोट छापते हो? बेड़ो, कोई साबित कर दे कि मशीन नकली है, अपुन तो अपुन का गलाई काट डालेगा क्या? चाल सोपराज वालकाट नटवर लाल और अपुन ने मिलकर मशीन बनाया ला है, ऐसा नोट छापती है कि साला असली नोट भी इसके सामने नकली लगता है। छपाई लिखाई अंदर का धागा सब असली की टक्कर का है। अभी पता चल जाएगा कि यह नोट असली है या नकली। मैं इसे अभी बाजार में चला कर देखता हूँ। यू वेट, थोड़ी ही देर में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। फैसला? कैसा फैसला? सारे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। अरे मेरे बाप, अपुन को पुलिस के हवाले मत करना, तुम चाहो तो सारा रुपया रख लो, लेकिन अपुन को जाने दो। ये नकली नोट लेकर हम क्या करेंगे? नकली नहीं मकीनो, एकदम असली है। मैंने बैंक से छुट्टा करवा लिया, कोई खोट नहीं। देख प्यारे, तू भी चोर और हम भी चोर, और आपस का खून खराबा अच्छा नहीं होता, इसलिए बेहतर ये होगा ये नोट छापने वाली मशीन तुम हमें दे दो। ठीक है,
निकालो लाख रुपया। लाख रुपए? ढाई लाख का तो माल लगाओ इसमें, ऊपर से मेहनत मजदूरी अलग, इससे कम तो मर जाऊंगा नहीं दूंगा। चाहे तुम आप उनको पुलिस के हवाले कर दो, चलो। ठीक है, हमें मंजूर है। बख्शी माल ले आओ, जरा एक नोट छाप कर दिखा दो। नोट छाप के भी दिखाता हूं, नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये सादा कागज है ना, ये सादा कागज है ना, है। नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये नोट है ना, देख। ये था तुम्हारा एक लाख रुपया। ठीक है दोस्त, आज एक एक चोर ने चोर को लूट लिया। चल अब मैं तुझे बताता हूं कि नोट कैसे छापते हैं। देख ये सादा कागज है ना। हाँ। है ना। हाँ। देख हाँ। अब नोट कैसे छापते हैं ये भी देख। अरे सादा कागज है। हेलो, आपन बोल रहा है नोटों की मशीन वाला। अबे ये मशीन तो नोट नहीं छाप रही है। अरे तभी तो तुम्हें बेची है। क्या भिड़ो, तुम भी चोर अपन भी चोर, इस वास्ते अपन झूठ नहीं बोलेगा। आप उनके कमर में जो नोट लटक रहे हैं वो सब साले असली हैं। हाँ, तुमको फंसाने के वास्ते मैंने वहां पर सूखने के लिए लटकाए थे। लेकिन ये काय की मशीन है भाई? गन्ने का रस निकालने की। गन्ने का रस? हाँ, गन्ना डाल के देखो शायद रस निकल आए। क्या भिड़ो पुरानी है ना, आप उनने साला इसको 50 रुपए में चोर बाजार से खरीदा था। 50 रुपए?